तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्विगी, फूड पांडा, उबर ईट्स जैसी फूड डिलीवरिंग ऐप्स के बारे में। ये ऐप्स कैसे ऑपरेट करती है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है और ये पैसे कैसे कमाती हैं भी या नहीं, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूंगा सिर्फ स्विगी को, क्योंकि सभी फूड डिलीवरिंग कंपनीज का मोर और लेस सेम ही बिजनेस मॉडल है। कोई कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करे तो अलग है, बट मोर और लेस सबका बिजनेस मॉडल एक ही है। तो स्विगी की शुरुआत हुई थी अगस्त 2014 में। इनका हेड ऑफिस है बेंगलोर में और इनके को फाउंडर्स हैं नंदन रेड्डी, श्रीहर्षा मजेटे और राहुल जैमिनी। और आज तक स्विगी को मिल चुकी है $155 मिलियन की फंडिंग और इनके एज ऑन डेट 11 सिटीज में ऑपरेशंस हैं। तो अब बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। इनका सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है? इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू है कमीशन बेस्ड। तो क्या है, स्विगी एक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है, जैसे ओला उबर टैक्सी एग्रीगेटर है, उसी तरह स्विगी क्या है, रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है। तो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को अपनी साइट पे लिस्ट करते हैं और उनके बिहाफ पे ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं और फूड डिलीवर करते हैं। तो बेसिकली स्विगी का मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है, फूड डिलीवरी से। तो अब लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट खुला है दिल्ली में और आपने बहुत ही छोटे स्केल पे अपना रेस्टोरेंट शुरू किया है, बट आप क्या चाहते हैं कि मेरा खाना लोगों तक पहुंचे और मेरा नाम लोगों तक पहुंचे, और आप चाहते हैं कि मैं घर पे लोगों के खाना डिलीवर करूं। तो क्या चाहिए होगा आपको? आपको चाहिए होगी पहले एक ऐप जिससे लोग डिलीवर कर सके, ठीक है, 1-2 लाख का खर्चा वो हो गया। उसके बाद चाहिए आपको एक फुल टाइम एम्प्लॉई, 1 या 2 एम्प्लॉई चाहिए होंगे, क्योंकि कभी भी 2 ऑर्डर भी आ सकते हैं, कभी 1 ऑर्डर भी आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो कम से कम 2 फुल टाइम एम्प्लॉई चाहिए जिनकी सैलरी लगा लीजिए 10 से 15 हज़ार तो मिनिमम होगी। उसके साथ साथ आपको चाहिए 2 व्हीकल जिसपे फूड डिलीवर होगा। इतना सारा तामझाम करने के लिए आपको बहुत सारी कैपिटल लगानी पड़ेगी, बट स्विगी क्या करता है, ये सब चीज आपको पहले से ही तैयार करके देता है, बट उसके बदले क्या लेगा आपसे, उसके बदले आपसे लेता है 10-20% कमीशन। सो आप जो रेस्टोरेंट मालिक है वो सोचते हैं 15,000 पे एक बंदे का, मतलब 2 बंदे के 30,000 पे, प्लस व्हीकल की मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 10,000, वो होगी 40,000 पे, प्लस ऐप की और अपनी वेबसाइट की मेंटेनेंस कॉस्ट 10-20,000 वो होगी। तो बंदा सोचता है कि 60,000 रुपये महीने के मेरे खर्चे होंगे अगर मैं ये सब अपना सेटअप लगाऊंगा, और ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है जो हर महीने होनी ही होनी है। तो 50 से 60,000 की फिक्स कॉस्ट वो मान के चलता है। तो ये हो गया उसके लिए रिस्क कि 60,000 रुपये लगाऊंगा और क्या पता कितने के ऑर्डर आए, क्या पता 60,000 लगाने के बाद 60,000 रुपये तक के ऑर्डर भी ना आए। क्यों? क्योंकि बिजनेस नया है और अनश्योरिटी बनी रहती है। अब आता है स्विगी अपने रोल में। स्विगी का कह रहा है आपको कि मैं आपसे लूंगा 10-20% कमीशन, ठीक है, आपके 60,000 रुपये लग रहे हैं ना, ठीक है, अगर मैं 10% कमीशन चार्ज करता हूँ तो मतलब 6 लाख रुपये का खाना बेचोगे तब जाके आपके 60,000 रुपये लगेंगे, जब 20% भी मान लो तो 3 लाख का अगर खाना बेचोगे तब जाके आपको 60,000 रुपये कॉस्ट आएगी। तो बंदा सोचता है रेस्टोरेंट का मालिक, क्योंकि रेस्टोरेंट के बिजनेस में ये तो है नहीं कि 10% का प्रॉफिट है या 20% प्रॉफिट है, रेस्टोरेंट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और कम से कम 50% का प्रॉफिट आता है। तो बंदा सोचता कि हाँ, अगर मेरा 50% का प्रॉफिट है तो 20% अगर स्विगी ले भी गया तो 30% तो नेट बच रहा है ना मेरे को, और मेरे को कोई रिस्क भी नहीं है। अगर कम धंधा होगा तो कम कमीशन देनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा धंधा होगा तो ज़्यादा कमीशन देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगी, बोथ स्विगी के लिए और रेस्टोरेंट के लिए विन विन सिचुएशन होगी। स्विगी के लिए कैसे, क्योंकि जो रेस्टोरेंट के लिए बंदा काम करता है वो सिर्फ उसी रेस्टोरेंट के लिए काम करता, जो फूड डिलीवर करता बंदा वो उसी रेस्टोरेंट के लिए काम करता, बट स्विगी के केस में क्या, जो फूड डिलीवरी के लिए बंदा रखा है वो एक रेस्टोरेंट के लिए नहीं काम करेगा, वो वहाँ की फ्लीट में जो भी 10-20 रेस्टोरेंट स्विगी पे एनरोल्ड होंगे उन सबकी फूड डिलीवरी करेगा। तो स्विगी के लिए ये बहुत इकोनॉमिकल रहेगा। और पहले क्या था, स्विगी में कोई भी मिनिमम ऑर्डर की क्राइटेरिया नहीं था, बट आज की डेट में मिनिमम ऑर्डर का क्राइटेरिया आ गया स्विगी में, और अगर आप मिनिमम ऑर्डर से कम ऑर्डर करते तो आपको स्विगी डिलीवरी चार्जेस भी चार्ज करता है। तो पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या हुआ, कमीशन फ्रॉम रेस्टोरेंट, और दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या हुआ, डिलीवरी चार्जेस फ्रॉम कस्टमर्स। अब बात करते हैं तीसरे रेवेन्यू सोर्स की। तीसरा रेवेन्यू सोर्स क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कहाँ पे, अपनी वेबसाइट पे। तो जैसे इनकी वेबसाइट में कोई एरिया का सर्च करता हूँ जहाँ पे मेरे को रेस्टोरेंट्स चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैंने दिल्ली में रेस्टोरेंट्स चेक किए तो सबसे पहले ऊपर आ रहा है एक रेस्टोरेंट जिसके ऊपर लिखा है प्रमोटेड। तो प्रमोटेड मतलब इसके उन्होंने पैसे लिए हैं इसको टॉप रिजल्ट दिखाने के लिए। तो ये है थर्ड सोर्स ऑफ रिवेन्यू स्विगी के लिए,
ऐसे ही कुछ और सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो स्विगी शुरू करने वाला लाइक अपने रेस्टोरेंट भी खोल सकता है। कई शहरों में शायद शुरू भी कर दिया उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स खोलने, या एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट जो स्विगी के साथ टाई अप करेंगे वो भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप फ्यूचर में देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि स्विगी पैसे कैसे कमाता है, उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। अब देखते हैं क्या स्विगी पैसे कमा भी रहा है या नहीं। तो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में स्विगी ने अगर 1 रुपया अर्न किया है उसके बदले उन्होंने 1.5 रुपीज़ का लॉस उठाया है। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 2.5 रुपये खर्च किए हैं स्विगी ने। जो उनका टोटल रेवेन्यू था वो था 133 करोड़, यानी 133 करोड़ रुपीज़, और जो उनके लॉसेस थे वो थे 205 करोड़ रुपये। तो बात क्लियर है, स्विगी को जो इतनी ज़्यादा फंडिंग मिल चुकी है वो उसको बर्न कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर से लड़ रहे हैं मार्केट कैप्चर करने के लिए। इसीलिए वो दे रहे हैं कस्टमर्स को ढेर सारा डिस्काउंट्स और खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग में बहुत सारे पैसे। सो आई होप आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा कि फूड डिलीवरिंग एप्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है और उनका फ्यूचर क्या है। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मैं आपके लिए और भी ढेर सारी वीडियोस ऐसी लाता रहूंगा, और इससे अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपना फूड डिलीवरिंग बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं अपने छोटे शहर में। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।